नमस्कार आदाब, मैं हूं सानिया खान, आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र के पालघर में दो संतों की भीड़ भाड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या किए जाने का मामला अभी शांत नहीं हुआ था कि सोमवार देर रात उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दो साधुओं की धारदार हथियारों से काट कर हत्या कर दी गई। मंगलवार सुबह ग्रामीण मंदिर में पहुंचे तो उन्हें साधुओं के खून से लथपथ शव पड़े मिले। फिलहाल घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने छानबीन कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बुलंदशहर के अनूपशहर के गांव पगोना स्थित शिव मंदिर पर पिछले करीब 10 वर्ष से साधु जगन्दास 55 वर्ष और सेवादास 35 वर्ष रहते थे। सुनिए इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या कहा है। पगोना गाँव जो अनूपशहर थाना क्षेत्र में स्थित है, यहाँ पर दो बाबा एक मंदिर है जिसमें जगदीश शर्मा और शेर सिंह नाम के दो बाबा रहते थे, और इसी मंदिर पर भी गांव का ही एक व्यक्ति है जिसका नाम मुरारी उर्फ राजू है, जो आता जाता था, भंगेड़ी है, बहुत ज़्यादा भांग पीने का आदि रहा है। दो तीन दिन पहले बाबा का चिमटा इसके द्वारा गायब कर दिया गया था, जिसपे बाबा लोगों ने बुला करके इसके साथ डांट पिलाई थी। उस आधार पर कुछ बातें इसके दिमाग में रही होंगी, जिसके आधार पर इसके द्वारा आज सुबह किसी समय आकर के तलवार से इन दोनों बाबाओं की हत्या कर दी गई। बाद में गांव के लोगों ने इसको गांव से बाहर तलवार लिए हुए जाते हुए देखा गया था। उस आधार पर इसकी तलाश की गई। गांव से 2 किलोमीटर दूर नशे की हालत में अर्धनग्न अवस्था में मिला है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। मौके पर मैं मौजूद हूँ। कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। फिलहाल ये अभियुक्त नशे की हालत में है और अर्धनग्न है, तो उससे पूछताछ का प्रयास किया गया। जैसे कि आपने सुना, बाबाओं ने उस व्यक्ति को डांट लगाई थी एक चिमटा खो देने की वजह से, और उसी गुस्से के कारण उन साधुओं की हत्या कर दी गई। तो इसी के साथ प्रहार टाइम्स की सभी खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।